चलिए इसको बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। Q1 के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और प्रॉफिट के अंदर गजब का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। देखिए प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट की, 1016 करोड़ के आसपास निकल गया है, तो गजब की तेजी आपको देखने को मिल रही है। पिछले साल की अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग 500 करोड़ के आसपास ये हम लोग को दिखाई दे रहा था, तो वहाँ से डबल होना एक अचीवमेंट ही कहा जा सकता है जिस तरीके की तेजी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। अब देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो प्रदर्शन अब तक इस स्टॉक का हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो यहां से अगर हम विजन लेके चलते हैं ठीक एक साल बाद का, तो तब तक इसका प्राइस हम लोग को क्या देखने को मिलेगा। देखिए अब तक का जो भी अपने प्रदर्शन देखा, जो पिछले एक साल का रिव्यू था, लगभग 235 रुपए के आसपास ये कोविड के वक्त हम लोग को देखने को मिला करता था, वहां से तो कई गुना इसका प्राइस हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से किस तरीके के लेवल इसके अंदर बनते हुए रहेंगे, सबसे पहला टारगेट यही है कि जब यह स्टॉक गिरा था तो लगभग 2000 के आसपास ये स्टॉक हम लोग को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, तो वहां से इसके अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी और काफ़ी नीचे के लेवल इस बैंक के अंदर दिखाई दिए थे। प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक है तो कहीं ना कहीं हलचल भी हमें इस बैंक के अंदर बड़ी देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो सरकारी बैंकों के अंदर इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हम लोग को नहीं देखने को मिल रही जितनी कि आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए पूरी खबर क्या है सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो बैंक की ब्याज है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रही है और 8% की तेज़ी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 3563 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। पिछले साल की बात करते हैं 3309 करोड़ के आसपास थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ग्रोस एनपीए की बात करते हैं तो 2.88% के इसके अंदर हम लोग को वृद्धि देखने को मिल रही है, एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर पिछले वाले क्वार्टर की बात करें तो 2.67% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहे थे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनपीए के अंदर हम लोग को वृद्धि देखने को मिल रही है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 99.2% की तेजी इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही, जो कि लगभग 1061 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। अब एक साल पहले चलते हैं तो 510 करोड़ के आसपास हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, साथ ही में नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर भी हम लोग को वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 3563 करोड़ के आसपास निकल के आई और ठीक एक साल पहले लगभग 3309 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो बैंक की प्रोविजनिंग है उसके अंदर हम लोग को कमी देखने को मिल रही है, लगभग 18 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18 बिलियन रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है, और अगर इसकी तुलना करते हैं पिछले साल की प्रोविजनिंग की तो वहाँ पर लगभग 22 बिलियन के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बैंक की जो प्रोविजनिंग है उसके अंदर हम लोग को कमी देखने को मिल रही है, तो यहाँ से भी हम लोग को पॉजिटिव संकेत बैंक के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। देखिए इसके जो टोटल इनकम निकल के आ रही है तो 7% की ग्रोथ इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, यह है लेंडर्स की टोटल इनकम, तो लगभग 9356 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनपी की सिचुएशंस है तो यहाँ से हम लोग को मायूसी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। पिछले वाले क्वार्टर में लगभग 2.67% के आसपास थी और अब देखें तो 2.88% के आसपास है। इसी तरीके से अगर नेट एनपीए रेशो की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग को वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि 0.69% के आसपास आपको देखने को मिल रही थी पहले, और अगर आप देखें तो 0.84% के आसपास हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए बात करते हैं इंडसइंड बैंक के शेयर के बारे में, 971 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली, एक महीने पहले की बात करते हैं तो 1050 के लेवल आपको इसके अंदर देखने को मिला करते थे, तो देखिए कहीं ना कहीं अंदेशा था कुछ नतीजों के अंदर उल्टा सीधा हम लोग को देखने को मिल सकता है। खैर ऐसा हुआ नहीं, अच्छा खासा रुझान ही आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे नतीजे कहे जा सकते हैं जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि नतीजों के अंदर 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो बैंक के अंदर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पीएटी कितना देखने को मिल रहा है, तो पीएटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, तो यहाँ से आउटकम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बैंक के अंदर हम लोग को प्रोविजनिंग दिखाई देती है तो प्रोविजनिंग की जो स्थिति है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से भी हम लोग को पॉजिटिव संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर एनपीए की सिचुएशन देखें तो एनपीए के अंदर हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो स्टॉक प्राइस था वो हम लोग को इस समय गिरता हुआ नजर आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो गिरना स्टॉक को था वो गिर चुका है, अब इसके अंदर ऊपर के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, तो कल के दिन एक बड़े मूव की तैयारी हम इस स्टॉक के अंदर करके चल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों ऊपर के टारगेट के बारे में, तो अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है, अगर 1 से 2 महीने का आप नज़रिया रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1150 रुपये तक के लेवल आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लगभग 6 महीने के लिए इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं, बैंक को होल्ड करना चाहते हैं, तो लगभग 1400 से लेकर 1500 रुपये तक की रेंज आपको इस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो ये स्टॉक हम लोग को वहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है जहाँ से इसके अंदर हम लोग को ठीक 1.5 साल पहले गिरावट देखने को मिली थी, तो अच्छी खासी तेजी जो है लगातार इस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा,
चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।